समझ में नहीं आती है लड़की की ना। मेरा जब मैंने उसे बोला कि यहाँ मत आओ, प्रीता को मत लाओ, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होगी ना, लेकिन नहीं, मेरी बात ही नहीं सुननी, समझती नहीं है वो लड़की। पता नहीं क्या मजा आता है उसे यार। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद हर। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? क्या हुआ? वो कुछ नहीं ऋषभ भैया। क्या अकेले में बड़बड़ा रहा है? इसी से नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ नहीं। तो मतलब क्या मंत्र जाप कर रहा था? क्या कर रहा था? नहीं ऋषभ भैया कुछ नहीं, ऐसे ही बस छुपा रहा है। अच्छा अब तो इतना बड़ा हो गया कि अपने भाई से छुपाएगा, ठीक है? नहीं नहीं ऋषभ भैया वो क्या था फिर? बात यह कि शिष्टी का फोन आया था, कह रही थी जो करण भाई ने उन्हें शादी का इनविटेशन दिया ना, उन लोगों ने वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। अब प्रीता और शिष्टी यहाँ शादी में आ रहे हैं यार। बात अब मेरा भी यही रिएक्शन था। मैंने उसको बोला कि यहाँ मत आए, प्रीता को मत लेके आओ, लेकिन मेरी बात ही नहीं सुन रही। मैंने ये भी बोला कि करण भाई ने सिर्फ गुस्से में इन्वाइट किया, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुनती ना समझती। मैं क्या करूँ? उनको बोल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, उनके लिए भी हमारे लिए भी। समीर तुझे मालूम है ना कि प्रॉब्लम हो जाएगी। भैया मैंने बोला, ये मैंने समझाया, वो समझती क्या है मेरी बात को, सुनती नहीं है शिष्टी मेरी बात। भैया मैं क्या करूँ? मैं शादी के लिए तैयार हूँ। आप प्रीता खुद आओ, यहाँ की मेरी शादी का नजारा देखो अपनी आंखों से। मैं करण की शादी में जाऊंगी। आदि तो फिर चलो ना, जाके मम्मा से बात करते हैं। तो कहीं ये पता नहीं तो नहीं है कि तुम करण और ऐसा मत कर। अच्छा वाह, क्यों ऐसी बातें कर रही है जानकी? प्रीता ने कुछ कहा क्या? हाँ तू क्यों उसके दिमाग में डाल रही है? वो हो सकता है कोई और बात करने आई हो। तू वहां पर। माँ मैं जानती हूँ कि आप हमेशा मुझे वहां जाने से क्यों रोकती हैं, उन लोगों के बारे में बात करने से क्यों रोकती हैं, क्योंकि आपको मेरी बहुत फिक्र है, आपको मेरे दिल का ख्याल है। आपको लगता है कि उन लोगों की वजह से आपकी बेटी का दिल बार बार टूटता है ना, आपको लगता है कि आपकी बेटी का दिल बहुत नाजुक है। वो करण की शादी किसी और से होते हुए नहीं देख पाएगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है माँ। आपकी बेटी का दिल इतना भी नाजुक नहीं है, ये आपकी बेटी का दिल है। मैंने मन बना लिया माँ, और मुझे अपने आप पर विश्वास है कि मैं करण की शादी किसी और से होते हुए देख सकती हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरा कोई दिल नहीं दुखेगा, कोई दिल नहीं टूटेगा। क्यों टूटे जब वो किसी और से शादी कर सकता है, तो मैं यहाँ अपना दिल तोड़ के क्यों बैठूँ? वो यही चाहता है ना माँ, इसीलिए वो इनवाइट करने आया था। वो बेसिकली चैलेंज करने आया था कि वो किसी और से शादी कर रहा है, तो क्या मुझ में हिम्मत है कि मैं अपनी आंखों से उसकी शादी किसी और से होते हुए देखूं? उसे लग रहा है कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, और मैं उसे दिखाना चाहती हूँ कि हाँ मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं उसके सामने खड़े होकर उसकी शादी किसी भी और से होते हुए देख सकती हूँ, और मेरा कोई दिल नहीं टूटेगा, ना मुझे कोई फर्क पड़ेगा। मैं भी बाकी लोगों की तरह उसकी शादी में खड़े होकर वो फंक्शन एंजॉय कर सकती हूँ, इसलिए मैं जाना चाहती हूँ माँ। और मैंने मन बना लिया है, मैं करण की शादी में जाऊँगी। क्यों देना चाहती तो अपने आप को तकलीफ? मुझसे झूठ बोल रही है? हाँ अपनी माँ से झूठ बोल रही है तू? सकती है ना। उसकी शादी में जाकर तुझे कितनी तकलीफ होगी। हाँ, क्यों निभाना चाहती है तो एक तरफा रिश्ता। वो तो नहीं मानता ना तुझे अपनी बीवी, अपनी पत्नी। लेकिन तू तो उसके नाम का मंगलसूत्र पहनती, मांग में सिंदूर भरती। उस परिवार ने तुझे कभी भी इज्जत नहीं दी, उस रिश्ते को कभी नहीं माना। फिर क्यों जाना चाहती है तू उसी घर, जिस घर के लोग तुझे हमेशा रुलाते, हमेशा तेरी बेइज्जती करते हैं, हर बार तुझे धक्के मारकर घर से बाहर फेंक देते हैं। फिर भी तू जाना चाहती है क्यों? हाँ, जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं उस परिवार के दिल से ये गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ कि वो मुझे उनका जब मन करेगा तब रुलाएंगे, कुछ भी बोलेंगे तो मुझे फर्क पड़ेगा, मेरा दिल टूट जाएगा। मैं ये गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ करण के दिल से। माँ, आपको पता है उसने घर आकर क्या कहा? उसने कहा कि मैं उसके पीछे पड़ी हुई हूँ, उसकी बीवी बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं माहिरा की जगह लेना चाहती हूँ, इसलिए मैं उन दोनों की शादी तोड़ने पर तुली हुई। हाँ, मैंने उन दोनों की शादी तोड़ने की कोशिश की माँ, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं उसकी बीवी बनना चाहती हूँ या उस घर में कोई अपना हक जताना चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि माहिरा अच्छी लड़की नहीं है और ये हमें पता चल गया। मैं तो सिर्फ करण को एक बुरी लड़की से बचाना चाहती थी, लेकिन अगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो माहिरा से ही शादी करना चाहता है तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर मैं इस शादी में नहीं गई तो उसे लगेगा कि मुझे बहुत फर्क पड़ता है, उसे लगेगा कि शायद इस वक्त मैं घर में एक कोना पकड़कर रो रही होंगी। लेकिन माँ, मैं उसे इस गलतफहमी में नहीं रहने देना चाहती। मैं उसका ये भ्रम तोड़ना चाहती हूँ। मैं घर में एक कोना पकड़कर नहीं रो रही हूँ। मैं तुम्हारे ही दिए गए इन्विटेशन पे तुम्हारी शादी अटेंड करने आई हूँ क्योंकि मुझे वाकई ही कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता माँ, मेरा दिल नहीं टूटेगा, मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ माँ, इतना जरूरी नहीं है वो मेरे लिए। जरूरी नहीं है वो तेरे लिए? हाँ, तो फिर क्यों जाना चाहती है तू वहाँ? क्यों जाना चाहती है तू उस घर में जिस घर ने हमेशा तुझे बेइज्जत करके बाहर फेंका? क्यों जाना चाहती है तू उस घर में जिस घर में वो इंसान रहता है जो तुझे यहाँ से विदा करके ले गया था, जिसने मेरे साथ वादा किया था कि वो तेरी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगा, फिर उसी रात को बीच रास्ते पे तुझे छोड़ रोते हुए वापस आई थी। तू इन्हीं हाथों से मैंने तेरे चूड़े निकाले थे। इतनी बेइज्जती हुई तुझे, इतना दिल दुखा तेरा, फिर भी तू उसकी और माहिरा की शादी में वहां जाना चाहती। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ तुझे पैदा किया है मैंने, मैं जानती हूँ कि तुझे तुझे फर्क पड़ता है, फिर भी तू वहां जाना चाहती है। क्यों क्यों जाना चाहती है तू वहां? क्योंकि कभी तो मुझे स्ट्रांग बनना है ना माँ। हर बार अपना दिल तोड़वाती रहूंगी क्या? जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं उन्हें दिखाना चाहती हूँ कि मैं वो प्रीता नहीं रही कि जब मत किया तब मेरा दिल तोड़ दिया। नहीं नहीं, ये तू नहीं बोल रही। तूने अभी कुछ घंटे पहले मुझसे कहा था ना, मैंने तुझसे पूछा था कि तू जाना चाहती है कि नहीं, लेकिन तूने कहा कि मैं वहां नहीं जाना चाहती। ये जरूर इसने तेरे दिमाग में भरा है, यही है सारी जड़। ये नहीं है माँ, शिष्टी की वजह से कुछ नहीं हुआ है, मैंने खुद मेरा मन भरा है, ये मेरा डिसीजन है माँ, मैं खुद का डिसीजन भी तो ले सकती हूँ ना। माँ, मैंने मन मना लिया है, मुझे करण की शादी में जाना है। प्रीता, तू क्यों नहीं समझ रही है? तू वहाँ मत जा, मैं बता रही हूँ तुझे बहुत दुख होगा, तुझे बहुत दर्द होगा, और जब तुझे दर्द होता है ना तो मेरा दिल, मेरा कलेजा फट जाता है। तेरे आंसू में देख नहीं सकती, तुझे ऐसी हालत में कभी नहीं देख सकती। मैं भी तो जाकर देखना चाहती हूँ कि क्या दर्द होता है, इतना कैसे दर्द हो सकता है उस इंसान के लिए जिसे मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं होगा दर्द माँ, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ, और ये बात मुझे खुद को प्रूव करनी है कि मैं कमजोर नहीं हूँ। माँ प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज। आप इतने परेशान मत होइए, मैं रहूंगी ना दी के साथ। तुम मेरे से बात मत कर, तू बिल्कुल मुझसे बात मत कर, ये चाहे कितनी भी बोल ले, लेकिन मैं जानती हूँ कि सब तेरी वजह से ही हो रहा है, वरना एकदम से ही अपना फैसला नहीं बदलती। लेकिन ठीक है, तुझे जाना है ना? हाँ, तू जानती है ना उस घर में तेरी कितनी बेइज्जती हुई है, तू जानती है ना कि वहाँ करीना, शर्लिन, माहिरा, वो भी रहते हैं। तू जानती है ना कि उन लोगों के पास दिल नहीं है। तू जानती है ना कि कभी भी वो तेरी बेइज्जती कर सकते, कभी भी तुझ पर कोई भी इल्जाम लगा सकते हैं, कभी भी तुझे घर से धक्के मारकर बाहर फेंक सकते हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं जिससे तेरा दिल दुखे, तुझे दुख पहुंचे। हर बाहर इस दुनिया में जब भी कोई तुझे रुलाना चाहता है या सृष्टि को, तो मैं बीच में ढाल बन के आ जाती हूँ, क्योंकि माँ हूँ मैं तेरी, मैं तेरा दुख नहीं देख सकती, इसीलिए बार बार रोकती हूँ, हर बार मना करती हूँ कि उस घर में मत जाओ, लेकिन तुम दोनों कभी मेरी बात नहीं मानते। मैंने कितनी बार तुम्हें कसमें बोला मेरा मरा मुंह देखोगे, लेकिन फिर भी नहीं मानते, और हर बार मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल बहुत सुंदर है, इसीलिए हर बार तुम उस घर में जाओ, मुश्किल में पड़ते हो, परेशानियों में पड़ते हो, और फिर माँ याद आती है, और मैं भी बिना कुछ सोचे समझे हमेशा भागकर आ जाती हूँ ना, क्योंकि मैंने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हारा दुख मैं देख नहीं सकती हूँ। लेकिन इस बार नहीं प्रीता, तुझमें हिम्मत होगी, लेकिन मुझमें हिम्मत नहीं कि मैं उस घर में जा सकूं। मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है, इसीलिए चाहे कितनी भी परेशानी हो जाए, कुछ भी हो जाएगा ना, मैं मदद के लिए नहीं आऊंगी। तूने अगर अपना मन बना लिया तो ठीक है, तू जा उस शादी में। करण और माहिरा की शादी देखकर अपनी आंखों से, तू समझदार है, और अगर तूने ये फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ के लिए होगा। तू अपने आप को तसल्ली देना चाहती है, अपने आप को दिलासा देना चाहती है कि तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सच्चाई जानती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तू खुद सच्चाई अपनी आंखों से देखे, इसलिए मैं तुझे रोकूंगी। अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, ना तुम्हारा साथ दूंगी, ना किसी परेशानी में तुम्हारे साथ खड़ी होंगी। जो करना है करो, अब तुम दोनों बड़े हो गए, अपने फैसले ले सकते, इसलिए मेरे फैसले मानने की ना कोई जरूरत है, ना बुरा मानना कि तुमने मां का जाना है। जा। तैयार हो जाए शिष्टी। अरे तुझे कब से नॉक की जरूरत पड़ गई मेरे कमरे? जब से तू बदल गया मेरे भाई, तब से मैं बदल गया। देख भाई, तू देख मेरे भाई, अपनी नजर से मुझे देख, मैं तेरे रूम में खटखटा के आ रहा हूँ, पता है क्यों? क्योंकि आजकल पता ही नहीं कि तू चीजों पे कैसे रिएक्ट करे। यार मुझे तो लगता है कि तू बदल गया यार, जिस तरीके से तू बातें कर रहा, मुझे नहीं समझ में आता क्या बोलना चाहता। साफ साफ बोलना, साफ साफ बोलने ही आया था, तो तेरी समझ में भी आया और तेरे दिमाग में भी। अगर तेरे दिमाग में आएगा तो तेरी समझ में भी आएगा, लेकिन मुझे तो समझ में आ गया, मुझे मालूम नहीं कि तुझे समझ में आएगा या नहीं आएगा। क्या बोल रहा है, इतना घुमा फिरा के क्यों बातें कर रहा है? साफ साफ बोलना, क्या बोलना चाहता है? साफ साफ बोलना, बोलता हूँ साफ साफ। एक मिनट, तो अगर वो बात करने आया जो तुझे सैमी ने बताई तो वो गलत है। मैंने प्रीता के बारे में कोई सपना नहीं देखा, समझा? क्या सपना, क्या मतलब? प्रीता जी का कल रात को सपना देखा? मैंने अभी अभी तुझसे कहा कि मैंने कोई सपना नहीं देखा। हाँ ओके फाइन, उस बारे में मैं तेरे से बात करने नहीं आया, मैं तुझे सिर्फ ये कहने के लिए आया था कि मैं कल से बहुत परेशान हूँ। हम प्रीता जी का साथ ना देखे, बहुत गलत कर रहे हैं करण। जब हमें ज़रूरत पड़ी, हमारे परिवार को ज़रूरत पड़ी, इस घर को ज़रूरत पड़ी, वो हमारे साथ खड़ी हुई। जो कुछ भी तू कह रहा है, सोच रहा है, गलत सोच रहा है। करण मैं एकदम सही सोच रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। भाई लाइफ में शादी एक ही बारी होती है, तो सच्ची शादी होती है ना करण, लाइफ में एक ही बारी होती है, और तेरी हो गई है प्रीता जी के साथ। क्या शादी शादी शादी, तुम लोग क्या बोलते जा रहे हो यार? तुम लोगों को समझ में नहीं आता कि मैंने शादी नहीं की। हाँ वो मेरा गुस्सा था, जो कुछ भी किया मैंने गुस्से में किया, तो कोई शादी वाली शादी नहीं थी। शादी वाली शादी क्या होती है? शादी वाली शादी जरा मुझे भी बता। शादी शादी होती है, तूने शादी की है, बात करता। तेरी बात मान लेते हैं, शादी शादी होती है, भाई भाई होता ना। तू मेरा भाई है ना, तू मेरी शादी में था, नहीं था ना, तो शादी कैसे? फिजूल की बातें, फिजूल की बातें तू कर रहा है ऋषभ, समझा? शादी रस्म रिवाज के साथ होती है, सोसाइटी में होती है, समाज में होती है। तो हुई है ना, प्रीता जी की फैमिली थी ना, उनका समाज था ना, तो शादी तो हुई ना। तो मेरा समाज कहाँ था, मेरी सोसाइटी, मेरी फैमिली कहाँ थी? तू कहाँ था? मॉम कहाँ थी मेरी? सुन मैं तुझे एक एग्जाम्पल देता हूँ, जिस एकेडमी में मैं प्रैक्टिस के लिए जाता हूँ ना, वहाँ पे फिजियो है वो प्रीता अरोड़ा। हाँ, और शेफ मेरा कैप्टन उसके आगे पीछे घूम रहा था, लेकिन आज तक उसे पता नहीं चला कि वो मेरी पत्नी है। शादी की बात करता है तो करण, अगर ऐसी बात है तो तूने उनको इन्वाइट क्यों किया? क्यों बुलाया तूने उनको अपनी शादी में? उनका दिल तोड़ने के लिए, उनको नीचे दिखाने के लिए क्यों बुलाया तूने? करण, तू क्या था और क्या हो गया यार? उसी ने बनाया मुझे ऐसा, और इसका खामियाजा उसे ही भुगतना पड़ेगा। मुझे तेरे से कोई बहस नहीं करनी है करण, कुछ भी नहीं बोलना, क्योंकि तुझे कुछ भी बोलता तुझे समझ में नहीं आता, लेकिन बड़ा भाई होने के नाते मैं तुझे इतनी सी बात जरूर बोलूंगा, जो तू करने जा रहा है वो एकदम गलत है। माहिरा से शादी तेरे लिए गलत है करण, क्योंकि तू माहिरा से शादी इसलिए कर रहा है क्योंकि तू प्रीता जी को दिखाना चाहता है, इसलिए नहीं कि तू माहिरा से प्यार करता है। यस, मैं माहिरा से शादी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्रीता को इस घर में नहीं आने देना चाहता, रोकना चाहता हूँ उसे झूठे रिश्ते बनाने से, इस घर में आके जादू चलाने से। अरे यही सब यार तेरे दिल में, मोम के दिल में उसके लिए चाहिए प्यार उमड़ा ना, ये जादू ही तो है, ये तेरे दिमाग का वहम है, ऐसा कुछ नहीं है करण प्लीज। और सुन मेरी बात, मुझे पता लगा कि प्रीता जी तेरी शादी में आ रही है, इसलिए मैं तेरे से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उनसे बदतमीजी मत करना प्लीज, पोलाइटली रिस्पेक्टफुली उनसे बात करना करण, वो हमारी गेस्ट है। अरे मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि वो यहाँ आ रही है, अपनी आंखों से मेरी शादी देखेगी, समझा? करण मेरे भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है, तू करने जा रहा है ना करण, वो बहुत गलत है मेरे भाई, मेरी बात समझ, तू मेरा भाई है, मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकता हूँ करण, जो तू करने जा रहा है वो एकदम गलत है। मैं जानता हूँ कि क्या सही और क्या गलत, और अब अगर तुमने प्रीता की साइड लेना बंद नहीं किया ना तो मैं और भी बुरा करूंगा, फिर तेरा दिल टूट जाएगा प्रीता जी के लिए। मूर्खों की महारानी, उसके पास दिमाग थोड़ा है। दिमाग से याद आया, दिमाग तो है पर किसके पास? प्रीता जी के पास। प्रीता जी, मानना पड़ेगा यार, आप तो फुल पैकेज हो, सुंदर हो, सुशील हो और दिमाग वाली भी हो, और उसके साथ बहुत करेज वाली भी, बहुत ब्रेव। आप जो ठान लेते हो ना प्रीता जी, वो आप करके ही रहते हो, और वही किया आपने आज। आपने ठान लिया था कि आप ऋषभ लूथरा को छुड़वाएंगी किडनैपर से और उस किडनैपर को अरेस्ट करवाएंगी, और ऐसा आपने किया भी। किडनैपर मतलब कौन? और राणा। वो कैसे? क्योंकि उसी ने पंचायती बिजनेसमैन को मार्केट से उठवाया था और होटल में। प्रीता जी, आपने तो उसको अरेस्ट करवाया ना, तो वही हुआ ना असली किडनैपर। मैं तो बस ऑर्डर दे रहा था और वो मेरे ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था, वो वही कर रहा था जो मैंने उससे कहा, पर मैं किडनैपर नहीं हूँ, वो है किडनैपर। थैंक गॉड, बाल बाल बच गया आज। अगर मैं प्रीता जी के हाथों पकड़ा जाता तो जरा सोच, उन्हें प्रीता जी के साथ जो सपने देखे थे, जो फ्यूचर देखा था, वैसा कभी नहीं होता। तेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाता पृथ्वी, वो फ्यूचर जिसमें प्रीता जी तेरी बीवी है, वो फ्यूचर जिसमें प्रीता जी तेरी होम मिनिस्टर है। प्रीता जी, बस एक बार आपसे मेरी शादी हो जाए, उसके बाद मेरे दोनों हाथ भरे हुए होंगे, एक हाथ में लूथरस की दौलत और दूसरे हाथ में आपकी मोहब्बत। उसके बाद तो आप ही मुझे बताएंगे ना प्रीता जी कि लूथरास की जो दौलत मेरे पास आ जाएगी उसके साथ क्या करना है, कौन सी जगह इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सी जगह पैसा डालना है, आगे क्या क्या करना है, वो सब आप ही बताएंगे ना मुझे। प्रीता जी, आपका ये आशिक आपसे बहुत प्यार करता है। प्रीता जी, आई स्वेयर, जब आपसे शादी हो जाएगी ना तो आप मेरी जोरू बन जाएंगे और मैं आपका गुलाम, एक सच्चा गुलाम। दिल से वो सब करूंगा जो आप कहेंगे मुझसे, झाड़ू पोछा बर्तन जो कहेंगे सब कर दूंगा। मैंने जो सपने देखे ना, बस वो पूरे हो जाए। सपने सपने से याद आया प्रीता जी, आई एम सो सॉरी। मैं जानता हूं कि आपने क्या सपने देखे थे उस गिल्ली डंडा प्लेयर के साथ। गिल्ली डंडा प्लेयर की शादी माहिरा से होगी। वो कहता है ना, इंसान अपने कर्मों की खाता है और कर्मों की पाता है, तो हो सकता है कि उस गिल्ली डंडा प्लेयर में बहुत बुरे कर्म किए होंगे, तभी तो उसको एक बुरा फल मिल रहा है, एक बुरा अपशकुन, मतलब कि वो माहिरा। जी करण भाई। समीर, मेरी शादी की तैयारियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी भाई, आप टेंशन मत लो, सब ठीक से हो जाएगा। अब आएगा मजा। नो इफ नो बट्स। करण की डेस्परेशन से पता चल रहा है कि वो माहिरा से शादी करने के लिए मरा जा रहा है।